राजधानी जयपुर जिले के बनी पार्क थाना इलाके में 21 सितंबर के दिन दहाड़े अजय यादव की हत्या करने के मामले में जयपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस संदर्भ में डीसीपी ऋचा तोमर ने हत्या के इस मामले में दो आरोपियों के पकड़े जाने के बारे में जानकारी दी है। डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि बनी पार्क थाना पुलिस और डीसीपी की स्पेशल टीम ने हत्या आरोपियों की तलाश में दर्जनों सीसी कैमरे खंगाले, सूचनाओं का संकलन किया और उसके बाद जयपुर से हरियाणा तक कड़ी से कड़ी जोड़ी, तब जाकर हत्या के दो आरोपियों को दबोचा जा सका। अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। दरअसल अजय यादव और वैशाली नगर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर मुकेश यादव 2008 से 2016 तक गहरे दोस्त रहे हैं, लेकिन साल 2015 में बदमाश गगन पंडित पर फायरिंग केस में अजय का नाम आने के बाद अजय ने मुकेश से फरारी काटने के लिए मदद मांगी तो मुकेश ने मदद नहीं की। उसके बाद से दोनों में दूरी होने लगी। उसके बाद कुछ जमीन के केस में दोनों ने कई बार आमने सामने भी हुए तो वहीं इस हत्याकांड में 7 लोग नामजद हैं और इनमें से 2 को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें से एक जयराम सिंह हत्यारों को फरारी के दौरान मोबाइल सिम उपलब्ध कराने वाला है और दूसरा प्रवीण कुमार उर्फ पवन यादव हत्यारों को हरियाणा में शरण देने वाला है। मुख्य हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। मोटिव को खंगालने के लिए जयपुर के सभी एक्टिव गैंग्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड को खंगाला गया। इस पूरे जितने भी गैंग एक्टिव हैं यहाँ पे उनके क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहे हैं विगत दशक में, उस सभी का एनालिसिस किया गया। तो इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जैसे मुकेश यादव और अजय यादव जो पहले एक दूसरे के करीबी थे, पर कालांतर में बहुत सी घटनाएं ऐसी सामने आई जो इनसे जुड़े लोगों के इंटरोगेशन में भी सामने आई है और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के अध्ययन से भी सामने आई कि उन घटनाक्रम की वजह से इनमें मनमुटाव बढ़ता गया और दोनों विपक्षी दलों का पार्ट हो गया। मुकेश यादव प्रदीप यादव का करीबी बन गया। इसकी शुरुआत हुई जब गगन पंडित पर फायरिंग की गई। उस घटना में अजय यादव को नामजद किया गया। ये सामने आ रहा है कि कौन सी गैंग का वर्चस्व रहेगा, किसका वर्चस्व रहेगा, ये इनके वर्चस्व की लड़ाई थी, इसीलिए इन्होंने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया जिससे पब्लिक में भी भय का माहौल व्याप्त होता है और अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए इन्होंने